सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने की। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर करीब 95 मुद्दों पर चर्चा की गई। आरटीओ सोलन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी, डीएफओ नालागढ़ और एक्शियन एचपी एसईवी इस बैठक में अनुपस्थित रहे, जिसकी वजह से विकासात्मक कार्यों पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। परिषद के चुने हुए पदाधिकारियों ने इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और उनके हल को लेकर उनसे तीखे सवाल किए। बसों के रूट को लेकर एचआरटीसी अधिकारियों और गैर सरकारी सदस्यों के बीच गहमा गहमी भी हुई, जिसे जल्द ही शांत करवाया गया, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण समस्या जस की तस बनी रही। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने कहा कि 95 मदों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बसों के रूटों को लेकर बैठक में काफी गहमा गहमी भी रही, लेकिन जल्द ही मामला शांत हो गया। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह लंबित पड़े कार्यों और मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। इस मीटिंग में कुल मिलाकर 95 मदों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें से 64 मद हमारे पुराने थे और 31 मद नए पे विभिन्न विभागों से चर्चा हुई और अगली कार्यवाही के लिए कुछ मद पेंडिंग है, उसके लिए सभी विभागों को आदेश दिए गए कि उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। ज्यादातर परिवहन निगम के बहुत मुद्दे पेंडिंग है, जिसमें एचआरटीसी विभाग और आरटीओ को लेकर जिसमें काफी खींचातान रही। कुछ मुद्दों को जो रूट परमिट कुछ इश्यू नहीं हुए, उन पे काफी गहराई से चर्चा की गई।